मैं सरवण सिंह पंदेर इस समय देवीदासपुरा गांव से बोल रहा हूं, जहां पर आज हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे पंजाब की मांगों को लेकर। जो आज हम बयान सुन रहे हैं साबका सीएम, जो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, खट्टर जी का जो बोल रहे हैं कि हमने हरियाणा के जो बॉर्डर है उनको सील कर रोक कर अच्छा किया और इससे हरियाणा के लोग खुश हैं, तो हम तो व्यापारियों को, आने जाने वाले लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को यही कहते रहे कि हरियाणा सरकार ने रास्ता रोका और खुद खट्टर साहब ने मान भी लिया भी हमने रास्ता रोका हुआ है। और जो बोल रहे हैं भी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ है, तो उनकी सरकार ही वहां गई हुई भी रास्ता नहीं खुलना चाहिए। तो यही खट्टर साहब हैं जो पिछले आंदोलन में कहते थे 100-150 आदमी इकट्ठे हो जाओ और कहीं भी ये उपद्रवी आपको मिलते हैं तो पीटो, अगर जेल चले जाओगे तो अच्छे लीडर बन के आओगे। बाद में उन्होंने इस बयान के ऊपर माफी मांगी थी, उनके उपद्रवी बयान आपने पहले भी सुने हैं। यही खट्टर साहब हैं जिन्होंने सुशील कुमार कांजला जी को शहीद किया था, इनके एसडीएम ने कहा था भी सर पर फोड़ो माथा फोड़ो किसानों का, तो यही खट्टर साहब हैं, इनके बयान पहले भी मशहूर हुए। तो हम कहते हैं भी ये भाजपा ने 10-15 लोग, ये जब अभी इलेक्शन चल रहा है हरियाणा का, तो ये बयानबाजी ऐसे ही आती रहेगी जब तक अक्टूबर चोन हो नहीं जाती। तो हमारा स्पष्ट निर्णय है कि ये सब चोन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी, हमारे मुद्दों को डिरेल करने के लिए, और इस बयान की जितनी निंदा हो सके इस बयान की निंदा की जानी चाहिए। जो कंगना राउत जी आज पलटी है भी मैंने, मेरा निजी बयान है, तो मैं कहता हूं भी अगर कोई एमपी बन गया तो निजी बयान उनका को मायने नहीं रखता, वो निजी ही तो एमपी हैं। निजी तौर पर उन्होंने भाजपा की एमपीशिप लिया, इलेक्शन लड़ लिया, जिस बयान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी माफी मांग चुके हो, उन कानूनों को रद्द कर चुके, अगर उनकी कोई चुनी हुई एमपी उनके ऊपर बयान देती है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पॉलिसी मैटर पर कुछ कोई कह सकता है कि मेरी अलग राय है, ये निजी राय है, पार्टी की अलग राय है, लेकिन जिस बात के ऊपर सरकार अथवा पार्टी ने चीजें कर ली हो तो उसके ऊपर कोई निजी बयानबाजी करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही इस मुद्दे के ऊपर भाजपा का चेहरा नंगा हो गया। पहले अनिल विज जी भी कह चुके हैं कि जो बॉर्डरों के ऊपर गोली चली, जो कुछ भी बॉर्डरों के हुआ, मैं उससे उस जिम्मेवारी से भागता नहीं हूं। तो जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर मुंह से सच निकल जाता है। अब हरियाणा के लोग फैसला करेंगे कि खट्टर जी क्या सच बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, ये आपको 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। धन्यवाद।